देख रहे हैं आप, मैं हूं अपर्णा। मौजम वक्त हो गया एमपी अब तक का। पिछले विधानसभा चुनाव में करारी पराजय से पस्त कांग्रेस पार्टी लगातार झटके पर झटके खा रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जहां कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची है, तो वहीं बीजेपी बाहें पसार कर कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेताओं का स्वागत कर रही है। आज बीजेपी ने प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अर्जुन पलिया, आलोक चंदसोरिया, भोपाल के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष यादव, दिनेश डिबोले, सुभाष यादव एवं जसपाल अरोड़ा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ इन कांग्रेसियों को साफा पहनाकर उनका बीजेपी में स्वागत किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस से मची भगदड़ पर चुटकी भी ली। कहा कि अब तो आलम यह है कि आगे आके राहुल गांधी जा रहे हैं और पीछे से कांग्रेस साफ हो रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि अब कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए ऐसे सुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र ये सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है। और ऐसे में ऐसे अच्छे लोगों का साथ जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मार्ग चुना है, यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए ये बात अवश्य कहता हूँ कि जरूर आपको लगेगा कि हम अपने परिवार में सम्मिलित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना एक परिवार है। मैं पुनः एक बार सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री सुरेश पचौरी जी को मैं बचपन से जानता हूँ, तब जब मैं 11वीं में पढ़ता था और विद्यार्थी परिषद का काम करता था, और वो छात्र नेता थे, वरिष्ठ छात्र नेता थे, MSET के कैंपस से वो राजनीति चलाते थे छात्रों की। अलग अलग दलों में थे, अलग अलग विचारधारा थी उस समय, लेकिन जो शालीनता, शिष्टता और जो संस्कार मैंने उनमें देखे, मैं बरसों से उसका कायल रहा हूँ। मुझे तो लगता है बड़ी देर भई नंदलाला कांग्रेस सही जगह थी। दो दो प्रधानमंत्रियों के साथ वो मंत्री रहे और एक दाग श्री सुरेश पचौरी जी के दामन पर कभी नहीं लगा। जो कुछ राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं कांग्रेस, जो धार्मिक निर्णय हो रहे हैं, वो बड़े असहज करने वाले हो। आप कहेंगे एक दो का उल्लेख करिए, मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा हूं, कभी भी सेना के शौर्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता, सबूत की बात नहीं कही जाती। और हमारे शीर्ष नेता और प्रदेश नेता को का नीतियों को देख के आज हम सब भाजपा में शामिल हो गए। मैं पहले विधायक में था भाजपा से, मैं प्यासी में कैलाश जी ने टिकट दिलवाया था मेरे दोस्त विक्रम जी ने दिलवाया था, प्यारे लाल जी थे, जब से मैं था तो आज फिर घर वापसी हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं संजय शुक्ला के बीजेपी में शामिल होने को लेकर उनके भाई बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भैया देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, 20 साल बाद उनकी घर वापसी हुई है, जिसके बाद परिवार बहुत खुश है। गोलू शुक्ला ने कहा कि बीजेपी परिवार में उनका स्वागत है।
भाई हैं मेरे साथ, कंधे से कंधा मिला के हम दोनों भाई पार्टी की सेवा करेंगे। वो बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि मेरे बड़े भाई भी आ गए, तो अब कोई विषय ही नहीं रहा घर में कोई कांग्रेस या बीजेपी का, पूरी तरह बीजेपी की पार्टी। पर भैया कांग्रेस के थे, पर अब देर आए दुरुस्त आए, आ गए परिवार में। हमारे बाबूजी फाउंडर मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार एक और एक 11। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। तो कांग्रेस की प्रवक्ता अमिनुल खान सूरी ने कहा कि अवसरवादी लोगों के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने। ऐसे कचोरी समोसे जो आज तक पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाए कांग्रेस पार्टी ने, जिनको अनेकों बार राज्यसभा भेजा, केंद्रीय मंत्री बनाया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, ऐसे कचोरी समोसे अगर कांग्रेस पार्टी से जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात विधायक संजय शुक्ला जी की रही हो, जिनका पूरा परिवार, जिनके पिताजी ने अनेकों बार चुनाव लड़ा, जिनके भाई ने चुनाव लड़ा, जो विधायकी के लिए जो परिवार तरसता रहा, उस परिवार को पहली बार विधायकी देने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने खादी के नीचे खाकी पहन रखी है, जो भेड़ के वेश में भेड़िए हैं, जो अवसरवादी हैं। जब कोई कांग्रेस छोड़ देता है तो कांग्रेस अपनी असलियत बताती है। क्या कांग्रेस अभी भी उम्मीदवारों की जो तलाश करी उसमें बिकाऊ टिकाऊ देख रही है? क्या अपने कार्यकर्ताओं को बिकाऊ टिकाऊ मानती है? वो बिकाऊ मानती है क्या? वो भ्रष्टाचारी मानती है? हम तो कांग्रेस को शुरू से भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व तो भ्रष्टाचारी है। कार्यकर्ता उनसे आज ही जो तंग आ चुका है, और वो राष्ट्रवाद और भारत की अस्मिता, भारत के विकास और भारत के गौरव के साथ है, इसलिए वो छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। इधर कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले कांग्रेस के नेताओं का देवास में विरोध किया गया। देवास में कांग्रेसियों ने बीजेपी में गए कांग्रेस के नेताओं का पुतला फूंका। स्थानीय नाहर दरवाजा चौराहा पर सुरेश पचौरी, विशाल पटेल, संजय शुक्ला के साथ ही और नेताओं का पुतला भी फूंका गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। पूर्व प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष शौकत हुसैन ने इन सभी नेताओं को गद्दार बताया। आज हम उन गद्दारों का पुतला जलाया। ये वो गद्दारों की टीम बन गई देश के अंदर, जो कांग्रेस के अनेक पदों पे रहने के बाद कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये वो गद्दार है सुरेश पचौरी, राजू खेड़ी पूर्व सांसद, संजय शुक्ला पूर्व विधायक, विशाल पटेल पूर्व विधायक, और ऐसे अनेक कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं जो कांग्रेस से कम 50-50 साल से फायदा ले रहे थे। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वो अपनी तबियत को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसकी जानकारी खुद विधायक ने वीडियो शेयर कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा अपने पास बुला रहे हैं और वो जाना चाहते हैं। बीजेपी विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि विधायक उमाकांत शर्मा अक्सर ही अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इसके पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एसडीएम के पैर पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे। स्वास्थ्य खराब है, लगभग आज 110 और 180 के लगभग ब्लड प्रेशर था, इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से कोई से मिलजुल नहीं रहा और परेशान। कई लोग मोबाइल लगा रहे हैं, कई लोग मिलने आ रहे हैं, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए कल रात को भी खराब था, फिर भी मैं पार्टी के प्रचार में गया था। मैं अभी 2-3 दिन लोगों से भेंट नहीं कर पाऊंगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। सीकड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद क्लस्टर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। हरियाणा में बीजेपी दफ्तर गुरुकमल, गुरुग्राम में क्लस्टर मीटिंग में शामिल होकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में चर्चा की। कहा कि हरियाणा में डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से साफ है कि 400 पार के संकल्प की सिद्धि हेतु प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलेगा। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर थोड़ी ही देर में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। एमपी बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक होगी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये बैठक होगी।
सीएम डॉक्टर यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें शामिल होंगे। प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद, शिव प्रकाश आदि भी बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटों पर दावेदारों को लेकर मंथन होगा। 5 सीटें बीजेपी ने अभी तक होल्ड की हुई हैं और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी 24 उम्मीदवारों का ऐलान मध्य प्रदेश में कर चुकी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, बाकी की बची 5 सीटों को लेकर थोड़ी देर में ये बैठक होने जा रही है। तो आज सुबह ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं ने, जिनमें दिग्गज नेता भी शामिल है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और अब से थोड़ी देर में होने वाली ये बड़ी बैठक जिसमें बीजेपी बची हुई 5 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों पर विचार करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा रहेंगे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्या खबर है बैठक को लेकर? देखिए, अभी एक कयास लगा जा रहे हैं, करीब 8 बजे के आसपास पार्टी अध्यक्ष के साथ ये भाजपा मध्य प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होगी और इस बैठक में 5 जो बची हुई सीटें हैं उस पर मंथन किया जाएगा कि किसको भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए अपना चेहरा बनाए, यानी उम्मीदवार बनाए, क्योंकि भाजपा अभी तक 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। क्या 5 सीटें बची हुई हैं, तो उन 5 सीटों के लिए आज ये बैठक हो रही है और इस बैठक में किन को चुना जाएगा, क्या क्या कौन होना चाहिए संभावित दावेदारों से जो बातचीत की है, तो वहां पे उनके रिपोर्ट रखेंगे, उनके नामों पर चर्चा की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है उस बैठक में मध्य प्रदेश की बाकी 5 सीटों पर भी मोहर लग जाएगी कि कौन उम्मीदवार होगा, उनका ऐलान कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए।